सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान का मौका मिला बाबा साहब को। हम जब प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं, दसवीं और बारहवीं के बच्चों को सम्मानित करते हैं, वो जितने भी मेरे सामने बैठने वाली बेटियां और समाज के बेटे जो प्रतिभाओं के रूप में यहाँ सम्मानित हुए हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि जब जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ और जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह होती है, हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को गिनाते हैं और प्रॉब्लम एक ही आती है समाज की, हम सब गरीब घर में पैदा हुए हैं। जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहने बेटे, और यदि वाकई में मुझे इस बात को लेकर आप अमल करते हैं, जब भी जितना भी युवा साथी ये कहता है कि सर मैं गरीब घर में पैदा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती है। मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से, इस सदन में बैठने वाला प्रत्येक बेटा और बेटी कसम खा के इस प्रतिभा सम्मान समारोह से जाए कि अगली बार मैं इस कार्यक्रम में मैं तभी आऊंगा जब मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, जब मेघवाल समाज में होने का मुझे नाज होगा। साथियों, जितने भी युवा साथी, हो सकता है कि हम जिस समाज में पैदा हुए, हो सकता है हम दूसरों की गलतियां निकालें, हो सकता है कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं, लेकिन मैं जितने भी युवा साथी उनको कहना चाहूंगा, जितना समय हम दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की टांग खिंचाई में लगाते हैं, शायद उससे 10% समय अपने खुद को आगे बढ़ाने में लगा दीजिए, अपने आप समाज आगे बढ़ जाएगा, समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है और बाबा साहब के विचारों को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, बहुत सारे समाज के युवा साथी यहाँ बैठे हैं, स्पेशल मैं बालिकाओं के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं मारवाड़ में आता हूँ तो मुझे ये बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरा सम्मान करें, सम्मान तो उनका करना चाहिए, जब ये बच्चा और ये बच्ची ये कसम खा के जाए कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह में 90% बनाने से मेरा सम्मान इन लोगों ने किया, और अगली बार मैं प्रतिभा सम्मान समारोह में तभी आऊंगा जब एक IAS और RS बन के आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा, तब मुझे लगेगा प्रतिभाओं का असली सम्मान हो रहा है। साथियों, जब भी प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं और जब प्रतिभाओं की बात करते हैं और जब मैं बालिकाओं की शिक्षा की बात करता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व होता है, लास्ट 10 से 15 कार्यक्रम मुझे पाली जिले के अंदर आने का मौका मिला और लगभग 273 बच्चे पाली जिले के उदयपुर ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग और MSA संस्थान में पढ़ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन जब बच्चा गांव से निकलकर छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद उदयपुर आया और उसी कदमों से कुछ न कुछ बनकर वापस पाली लौटेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चा पढ़ने लगा है। साथियों, जब बालिकाओं की बात करते हैं, बड़ा दुख होता है, समाज की 50% हमारी महिलाएं और बालिकाएं हैं। मैं हमेशा बालिकाओं को कहता हूँ, उनकी मम्मियों को कहता हूँ, 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, अच्छे कपड़े मत देना बेटी को कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी शिक्षा दे देना, जिस दिन लड़की अच्छी शिक्षा ले लेगी।